40 दिन आदमी जमात में बुलाकर ले जाते हैं, ईमान बोलने कराने देते हैं, ईमान सुनने कराते हैं, ईमान करने कराते हैं, तो आदमी की हालत क्या होने लगती है? दीनी बन जाती है। अगर LKG से बच्चा शुरू करके 10th स्टैंडर्ड तक मुसलसल कुफ्र सुने, कुफ्र बोले, कुफ्र देखे, कुफ्र करे, तुम्हारा बच्चा ईमान में बाकी रह जाएगा क्या? कहते लो, बेंगलुरु में मेरा एक स्कूल है, मैंने 3 जनवरी को अंबेडकर हॉल में मैंने अपना एनुअल डे किया। उससे पहले उस एनुअल डे की तैयारी के लिए हॉल को इंस्पेक्शन करने के लिए 2 दिन गया। उससे पहले 2 दिन पहले 2 तारीख को भी एक स्कूल का फंक्शन हो रहा था, एनुअल डे हो रहा था। 1 तारीख को भी एक स्कूल का एनुअल डे हो रहा था। मैं देखने के लिए अंदर गया, 90% मुसलमान बच्चे बुर्का ओढ़कर ऑडियंस अपने बच्चों को देखने के लिए आए हैं, और वहां पर पूजा कर रहे हैं बच्चे, और हमारे पेरेंट तालियां मार रहे हैं। वो स्कूल वाले करा रहे हैं, वो उसको बात छोड़ दो, स्कूल भी मुसलमानों की स्कूल है, स्कूल भी किसकी है? मुसलमानों की स्कूल है। और ऑडियंस ऐसा लग रहा था कि जुमा हो रहा है वहां पर। सब टोपियां पहन ले कोई बैठे हुए थे, सब बुरखे पहन लेकर बैठे हुए थे, वो बुरखे भी पहन लेकर बैठे हुए थे जिसमें नाखून भी ना दिखे, लेकिन उनके बच्चे पूजा कर रहे हैं और क्या मर रहे हैं। अब सोच लो कि ये हालत होगी तो 10-12 साल के बाद इस मुल्क के अंदर हालात क्या होने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे डालते हैं फलां बच्ची क्या कर रही है, रजिस्टर्ड मैरिज हो जा रही, कुछ देखो। ये तो अभी बारिश से पहले की जो रिमझिम झड़ी जिसे बोलते हैं वो है। 12 साल के बाद अभी ये सिलेबस पूरा ये होने के बाद जो तुम्हारे मोहल्लों में तुम्हारे घरों में होगा तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। एक बात आप सबको मैं बताता हूं, आज 2 बातें आपको बताकर जाऊंगा। अल्लाह ताला हमको समझ की तौफीक नसीब फरमाए। खुद अपनी नस्ल की फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो। डॉक्टर बनो, मैं 56 स्कूल चलाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मॉडर्न एजुकेशन में आगे आए। मैं उसका दाई हूं। मैं कह रहा हूं आपको, सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ इंजीनियर ये तुम्हारी फिक्र है तो याद रख लेना, डॉक्टर तो उन्हें बन जाएगा, ईमान में बाकी नहीं रहेगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा। वो इंजीनियर तो बन जाएगा। एक बच्ची एक गैर मुस्लिम के पीछे भाग गई, वो लोग पूरे मिलकर मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि मौलाना हम फला हैं फला हैं, रो रहे थे, दुख से बिलबिला रहे थे, हमारी बच्ची गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ले रही है, क्या करना, कोई हल बताइए आप। और मैंने कहा कि कौन सी स्कूल में पढ़ाया है तुमने, तो स्कूल बताया उन्होंने, वो स्कूल जहां कुफरी कुफर है। अब वो जोश में आकर उनके बाप ने मुझसे कहा, हजरत मेरा बस चल जाए तो मेरी बच्ची को मैं कत्ल कर दूं। मैंने उससे कहा, तेरा बस चले चल नहीं रहा इसलिए कत्ल नहीं कर रहा, तेरा बस चला तो तुम उसको कत्ल कर देते हो बोल रहे हो। मैं एक बात बताऊं तुमको, मेरा बस चलता तो तुमको कत्ल कर देता था मैं। वो बच्ची की गलती नहीं है। अगर आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले अगर तुमको आकर मैं कहता उस स्कूल में जिस स्कूल में जा रहे हो उसका जहन ये बनने वाला है, तुम ख्याल करो कि ऐसी स्कूल में दाखिला करो जहां उसका क्या रहे, ईमान बाकी रहे, तो तुम मौलाना को कहते कि मौलाना आप बैकवर्ड हैं, तुम बहुत फॉरवर्ड बन रहे थे ना, ले लो। आपको बता रहा हूं, दीनदार घरों के बच्चे ईमान में बाकी रहना। अलीगढ़ गया था मैं,
हजरत मौलाना हकीम कलीमुद्दीन साहब दामत बरकातहुम अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए वहां गया, वहां बैठा हुआ था। एक साहब आए, बड़े दीनदार, कहा कि हजरत आपको यहां से जाने के वक्त एक आधा घंटे के लिए हमारे घर आना है। कहा क्या बात है? एक लड़की गैर मुस्लिम हो गई है, बहुत दिन वो जाके दूसरे से क्या हो गई है, शादी हो गई, बहुत दिनों के बाद समझाने के बाद 2 साल के बाद उसको बुला के लेकर आए, आपकी जबान से कुछ बोल देंगे तो इंशाल्लाह हमारे घर में हमेशा इज्तिमा होता है, सब होता है, उस बच्ची को बुला के ले आए। मैं समझा हमेशा घर में इज्तिमा होता है, सब होता है, तो किसी और की बच्ची होगी, बुला के ले आए होंगे। अब मैं गया, बच्ची सामने बैठी हुई थी और बात करने के लिए कहा, मैंने कहा कि तुम छोड़ दो, मैं बात कर लूंगा इसको। अब अंदर जाने के बाद कहा कि ये किसकी बच्ची है? कहा कि किसी और की बच्ची नहीं मौलाना, ये हमारी बच्ची है। हर हफ्ता क्या होता है? इस्तिमा होता है, दीनदार हैं, सब कुछ है उनकी बच्ची ने। मैंने कहा कि बेटा तुम कहां पढ़े? कहा गुरुकुल में पढ़े हजरत हम। मैंने कहा कि अलीगढ़ में तुमको और कोई स्कूल नहीं मिली? गुरुकुल में पढ़ाया। कितने बच्चे थे? पूरा गुरुकुल कुफ्र सिखाता है, इसी काम के लिए बनाया गया है। अब आप अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाने का जज्बा आप बच्ची को भेज रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। मैंने कहा कितनी और मुसलमान बच्चियां थी वहां पर? कहा कि हम लोग 6-7 बच्चियां थी। क्या क्या प्रोग्राम होते थे, क्या क्या, अब पूरा बताया। मैंने उनको बुलाकर बताया, हफ्ते में एक मर्तबा तुम घर में बिठाकर उस बच्ची को इस्तिमा सुना रहे थे, और सुबह को उठे तो शाम तक वो कुफ्र सुना रहे थे। तुम्हारे कुफ्र, उस कुफ्र का असर होगा या तुम्हारी तालीम का असर होगा? एक बात जिम्मेदारों को कहता हूं, अपने अपने इलाके के अंदर ट्यूशन सेंटर शुरू करो, बच्चे स्कूलों को जाएं, ट्यूशन को आए, और ट्यूशन को आकर जो ट्यूशन पढ़ाने के वक्त जो किताबों के अंदर कुफ्र लिखा हुआ है, ट्यूशन भी पढ़ाए और कुफ्र को क्लैरिफाई भी करें हमारे टीचर्स, इससे बच्चों के ईमान की हिफाजत होगी। दूसरी, मकतब के निजाम को क्या करो, मजबूत करो। पहले वाजिब था तो अब फर्ज है। अगर कोई घमंड करके मेरा बच्चा मैं फलान जगह पढ़ा लूंगा फलान जगह पढ़ाऊंगा, मकतब को नहीं भेजेगा, 15-20 साल के बाद खून के आंसू रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, याद रख लेना। एक बात तो सबसे अहम इस वक्त यह है कि अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की फिक्रें करो, मेहनतें करो, टाइम कम है, सोचेंगे नहीं। अपने अपने सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अभी असर यह है कि एक तरफ यह फितना है लेकिन मुसलमानों में भी बड़ी बेदारी है। हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हर मुसलमान चाहता है कि कुछ ना कुछ हम दीन के लिए करें। खामोशी के साथ काम करने वालों की एक बड़ी तादाद अभी पैदा हो गई जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको भी, नौजवानों को कहता हूं, सबको कहता हूं, अपना वक्त और अपना पैसा, अपनी दौलत, थोड़ा सा पेट पर पत्थर बांध लो, लेकिन अपनी इस आने वाली नस्ल की हिफाजत की मेहनत में लगाओ। हमारे बच्चे जो बड़े बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, हर दिन 1-2.5 घंटा दो शाम का वक्त कि बच्चों को जमा करके ट्यूशन तुम चलाओ, चलाकर उनको अच्छा पढ़ाओ और कुफ्र शिर्क की पहचान उनको बनाओ। अगर तुम 1-2 घंटे अपने इन मिल्लत की हिफाजत के लिए नहीं दे सकते तो कहीं चाय पी लेकर कौम की हालत पर गुफ्तगू करने का तुमको कोई हक नहीं है। तैयार बैठो तबाही और बर्बादी के लिए।